मोदी जी ने कहा था मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। अब यहाँ पर ये बेटी लड़ रही है अपने न्याय की मांग को लेकर, कोई पूछने तक नहीं आ रहा। भारत के संविधान को और बाबा साहब अंबेडकर को सबसे ज्यादा कोई नफरत करता है वो है आरएसएस और भाजपा के लोग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सभी भाजपा के साथी हमारे विश्वविद्यालय में बाबा साहब अंबेडकर और भारत के संविधान के मूल्यों को स्थापित करने के बजाय मनुस्मृति के मूल्यों को स्थापित करने में लगे। पूरे भारत के सभी यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से मनुवाद को घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, वही तो उनका असली चरित्र रहे, वही तो मनुवाद है। शूद्रों का, महिलाओं का शोषण करना, उत्पीड़न करना, यही तो हमारे मोदी जी की, आरएसएस की और भाजपा की सोच है। 2500 से ज्यादा टीचर्स का, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनकी थाली खाली हो चुकी है कि आपने उन लोगों की थाली में जो निवाला था वो छीन लिया। तो ये बजा के दिखा रहे हैं कि अब हमारी थाली खाली है। थाली बजाने से कोरोना मर सकता है तो जातिवाद क्यों नहीं मर सकता। आरएसएस के लोग पहले ये भी कह चुके हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए, उसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। साथियों का कहना है कि जाति का जंतु क्यों नहीं मर सकता। भाई 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 यहाँ जाओ, खाली खाली बजाओ, वाइस चांसलर को नींद से जगाओ और भारत सरकार को नींद से जगाओ, क्योंकि सबके जो मास डिस्प्लेसमेंट हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 2500 से ज्यादा टीचर्स का, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनकी थाली खाली हो चुकी है। वो लोग 20-20 साल, 14-14 साल से पढ़ा रहे थे, आपने देखा क्या हुआ। तो ये थाली बजा के इनको सुनाने का एक प्रतीक है कि आपने उन लोगों की थाली में जो निवाला था वो छीन लिया। तो ये बजा के दिखा रहे हैं कि अब हमारी थाली खाली है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो मीडिया वाले मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं। गुजरात से दिल्ली पहुंचे हैं और डॉक्टर विक्की प्रोफेसर जो लगभग 108 दिन का हो चुका है, और बात की जाती है बहुजन समाज को लेकर के, लगता है कि जाति पर ही प्रहार हो रहा है और खासकर एससी ओबीसी माइनॉरिटी को लेकर के। देखिए साथी, प्रोफेसर डॉक्टर रितु सी का धरना दलित आंदोलन में एक सीमा चिन्ह रूप है, बहुत ही ऐतिहासिक धरना है, ऐतिहासिक आंदोलन है। अनफॉर्चुनेटली संविधान के मूल्यों के बजाय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सभी भाजपा के साथी हमारे विश्वविद्यालय में बाबा साहब अंबेडकर और भारत के संविधान के मूल्यों को स्थापित करने के बजाय मनुस्मृति के मूल्यों को स्थापित करने में लगे हैं। उनका प्रयास है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, डीएनटी, ऐसे वंचित समुदाय से आने वाले जो भी टीचर्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, उन सबको चुन चुन कर निकाला जाए। ऐसे प्रोफेसर जो फूले की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, इन अध्यापकों के खिलाफ मानो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी ने कोई युद्ध छेड़ दिया हो, इस प्रकार का माहौल है। डॉक्टर रितु सिंह का मामला साफ है, यहाँ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, FIR दर्ज हुई है, चार्जशीट हो चुका है। आखिरकार इन प्रोफेसर जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उनको सस्पेंड क्यों नहीं जा रहे, क्यों रितु को 108 दिन तक धरना देना पड़ा, ये हमारे पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बड़ी शर्म का विषय है। मैं मानता हूं कि भारत के संविधान को और बाबा साहब अंबेडकर को सबसे ज़्यादा कोई नफरत करता है तो वह आरएसएस और भाजपा के लोग। जब संविधान हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक्सेप्ट हुआ, उसके चार दिन के बाद ऑर्गेनाइजर में पब्लिश हुआ था कि हमको डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। आरएसएस के लोग पहले ये भी कह चुके हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए, उसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तो इसी प्रकार की सोच वाले लोग जब यूनिवर्सिटी में बैठे हो, स्टेट के सारे ऑर्गन्स में कब्जा करके बैठे हो, तो स्वाभाविक है किस प्रकार के सबको बाहर निकाला जाएगा। तो ये मामला केवल लक्ष्मण यादव या रतनलाल या रितु का नहीं, ये तीनों के साथ साथ पूरे भारत के सभी यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से मनुवाद को घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से काउंटर रिवॉल्यूशन, प्रतिक्रांति हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रही है। और इस लड़ाई में जो पॉलिटिकल प्लस एब्सेंट है, जो अब तक उनका समर्थन नहीं मिला, उन तमाम को भी आप सभी मीडिया साथियों की ओर से ये अनुरोध करते हैं कि आने वाले दिन में कोई एक पूरा दिन सारी पार्टी के दलित, आदिवासी, ओबीसी नेता यहाँ पर आके धरने में बैठे, उसका कॉल देने वाले, उसका आह्वान देने वाले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन अंबेडकर में मानता है और कौन अपनी पॉलिटिकल पार्टी के चापलूस है। अभी बात चल रही है कि 85% 15 का नारा सभी राजनीतिक पार्टियां दे रही है,
लेकिन अगर बात करें 108 दिनों के धरने को, लगता नहीं कोई एमपी एमएलए दलित पार्टी से नहीं, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली है। इसीलिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अपील करने वाले, अब तक जो कोई नहीं आए कोई बात नहीं, उनको माफ़ कर देते। अब जब कॉल दिया जाए तब उस कॉल को आप एक्सेप्ट करिए, यहाँ पर बैठिए। आपको अपने जीवन का 8-10 घंटा बिताना है धरने में बैठना, इतना तो कर सकते हैं अपनी बेटी के समर्थन में, जितने 108 दिन से लड़ रही है, जिसकी डिमांड बहुत ही जस्ट डिमांड है, न्यायिक डिमांड है। मुकदमा दर्ज हुआ है, चार्जशीट हो गई, तो गिरफ्तारी क्यों ना हो, सस्पेंड क्यों ना किया जाए। और सरकार को तो ये जवाब देना चाहिए कि इतने हजारों हजार जो दलित आदिवासी ओबीसी बैकग्राउंड के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको क्यों निकाला जा रहा है, क्या कसूर है उनका। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में हम लोग एक कॉल देंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टी के दलित समुदाय के जो भी एमपी एमएलए उनको यहाँ आने का आह्वान भी करेंगे। तो जब बेटी की कंप्लेन लेकर बैठी थी दिल्ली में, तब तो मोदी साहब ने सुना नहीं। ठीक है, हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ वो पूरे मुल्क ने देखा है, मणिपुर पे हमारी महिलाओं बहन बेटियों के साथ जो, वो भी पूरे मुल्क ने देखा है, रितु सिंह के साथ क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं। ऊना के आंदोलन के वक्त मोदी जी ने कहा था, मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। अब यहाँ पर ये बेटी लड़ रही है अपने न्याय की मांग को लेकर, कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। लेकिन महिला खिलाड़ियों को भगा गया था लाठी चार्ज करके जंतर मंतर से, तो वही तो उनका असली चरित्र है, वही तो मनुवाद है। शूद्रों का, महिलाओं का शोषण करना, उत्पीड़न करना, यही तो हमारे मोदी जी की, आरएसएस की और भाजपा की सोच है। उसी सोच के खिलाफ तो ये लड़ाई है, उसी सोच के खिलाफ ये धरना है, उसी सोच के खिलाफ ये संघर्ष है। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी लड़ेगी, जब तक पूर्ण रूप से संविधान को लागू न किया जाए। मेरी बात की जाती है बहुजन समाज को एक करने के, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुजन समाज राजनीतिक दलों में आपस में बटा हुआ है। देखिए, बटे हुआ तो पूरा मुल्क है, जातियों में बटा हुआ है। हम सभी का प्रयास है कि जितने भी शोषित है, गरीब है, वंचित है, वो सब एक मंच पे आए। एक बार कहने से नहीं आएंगे, उसके लिए पूरा जीवन देना पड़ेगा, तो पूरा जीवन संघर्ष करने को हम तैयार हैं। तभी तो बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन सर, मोदी सरकार नारी वंदन शक्ति अभियान चला रही है, महिला को आरक्षण दे दिया 33% मोदी सरकार ने। तो देखिए, टोकनिज्म तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसा कि मैंने कहा, कोरोना के वक्त भी कहा था कि मारना हो तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक भी दलित आदिवासी एट्रोसिटी का जो शिकार हुए कभी उनको पूछने नहीं गए। 700 किसानों की यहाँ पर मौत हो गई, 700 किसानों को बलिदान देना पड़ा, तब भी प्रधानमंत्री देखने नहीं गए। मोदी जी गारंटी चल रही है सर देश में, तो मोदी जी की दिनेश जी, आप खुद विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हो, जिस तरीके के परिणाम चुनावों के आए हैं और 24 के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी है। देखिए, आज मैं किसी अलग मुद्दे पर बात करने आया हूँ, सियासी बात आने वाले दिनों में करेंगे। और 2024 में इंडिया का अलायंस, सारे आंदोलनकारी, सारे लड़ने वाले लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे, अच्छा नतीजा आएगा। बड़ा सर, शिक्षण संस्थानों में जातिवाद का आरोप लगाया डॉक्टर ने, क्या हाँ, संभव है क्या? तो रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तड़वी, रतनलाल जी, लक्ष्मण यादव जी, रितु सिंह की, कितने इकलवियों का अंगूठा काटेंगे, तो साफ तौर पर दिख रहा है। पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद करते हैं क्या सर? देखिए, भारतीय समाज में ऐसी कोई भी, भारतीय समाज का ऐसा कोई भी डायमेंशन नहीं है जो जातिवाद से ग्रस्त न हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कब डेटा देखे तो हर रोज 4 दलित बेटियों पर बलात्कार होता है, हर रोज 3 दलितों की हत्या होती है, हर 18 मिनट पे एक एट्रोसिटी की घटना होती है। मैनुअल स्केवेंजिंग आज भी जिंदा है, आज भी 300-400 रुपये के लिए वाल्मीकि सफाई कर्मी को गटर में उतर कर मरना पड़ रहा है, आज भी छुआछूत जिंदा है, सभी हमारी आंखों के सामने है। दिनेश जी, राजनीतिक संगठन की बात करें तो राजनीतिक दलों की बात करो, भीम आर्मी लगातार सामने खड़ी हुई है। दिनेश जी, वो जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, बाकी पूरा दिन अपने आप को दिनेश जी। जब चुनावी फायदा चाहिए, छात्र, किसान, बाकी लोग कहाँ गए? तो वही ना, वही तो सवाल उनको पूछना चाहिए। दिनेश जी, बात करें, आप दिल्ली की धरती पर आए हैं और बात करें आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी बात करें, राजेंद्र गौतम के अलावा कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे पहुंचा नहीं है। और मैं बात करूँ भीम आर्मी लगा, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथियों को हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि बहुत ही न्यायी और वाजिबी मुद्दा है, आप सभी का कर्तव्य बनता है, मेरा भी, आपका, हम तमाम साथियों का, कि ऋतु के समर्थन में आकर बैठे। चंद्रशेखर, आपकी पार्टी लगातार संगठन में जुड़ी हुई है, बीमारी की बात करें तो सभी साथियों का स्वागत है, सभी साथियों को आना चाहिए। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी से आप आते हैं और कांग्रेस पार्टी को नुमाइंदा तक पहुंचा नहीं? तो आएंगे, वो भी आएंगे, सभी को अपील करेंगे, हम भी पर्सनली अपील करेंगे। राहुल गांधी जाते हैं, रिक्शे वालों के पास जाते हैं, फर्नीचर मार्केट में जाते हैं, ट्रक वालों के पास जाते हैं, क्या लगा के ऋतु के पास नहीं आना चाहिए? ऊना के आंदोलन में भी गए थे, हाथरस में भी गए थे, लेकिन दिल्ली में तो कांग्रेस का मुख्यालय है, क्या लगता नहीं? तो मैं आया हूँ ना उनके प्रतिनिधि, आप गुजरात से। बड़ा सवाल, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं आ रही कवर करने के लिए आंदोलन को? देखिए, आप लोग है ना, गोदी मीडिया नहीं आएगी थी, कोई बात नहीं, आप तमाम साथी कवर करेंगे, आप तमाम साथियों की भी ठीक ठाक रीच है, लाखों लोग आपको भी देखते हैं, लाखों लोग आपको पसंद करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं,
क्या ऋतु दलित की बेटी है लेकिन क्या देश की बेटी बन पाएगी इस आंदोलन के जरिए? देश की बेटी ही है, ये तो जाति व्यवस्था के कारण कुछ लोगों ने उनको दलित की बेटी बना के रखा। ये बेटी तो बेटी होती है सर। पहलवानों के समर्थन में पूरे देश के लोग गए थे, दलित भी गए थे, बहुजन भी गए थे, लेकिन यहाँ पर दलितों के अलावा मोस्टली बहुत कम। ये बहुत ही कम नसीब है, अनफॉर्चुनेट है। तभी तो सबको अपील कर रहे हैं कि जाति और धर्म का सर्कल तोड़कर भारतीय नागरिक के तौर पे, इंसानियत के नाते, यदि सचमुच आप संविधान में मानते हैं तो यहाँ पर आकर बैठे। गुजरात से आते हैं, वहाँ मूसली रखने देते हैं, घोड़ी नहीं चलने देते हैं लोगों को। पूरे मुल्क में छुआछूत है, पूरे मुल्क में इस प्रकार की समस्या है, तो लड़ना पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सर एक और सवाल आता है, जब पहलवान आंदोलन हो रहा था तो वहाँ पे काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता आए थे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे उस आंदोलन में आकर शामिल हुए थे। इस आंदोलन के भी उसी रूप में देखा जा रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है लेकिन कोई ऐसा बड़ा चेहरा, बड़ा नेता नहीं आया। आप तमाम लोग बड़े हैं जो यहाँ पर मौजूद है। नेता पॉलिटिकल नेता कौन होता है? जो सड़क पर आकर खड़ा रहता है वो नेता होता है। दलितों के सबसे बड़े नेता जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? जो MP MLA बनकर बैठे हैं उससे ज्यादा जो अंबेडकरवादी सड़क पर उतरे, आज उनके लिए जनता के दिल में ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन आपको वो लोग, उन लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए, हर एक लोगों को आना चाहिए। और उसी का आने वाले दिन में कॉल देंगे, सभी को अपील करेंगे कि कम से कम 8-10 घंटा एक दिन धरने में आकर बैठिए। क्या आंदोलन कुछ अलग है? क्या उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है और इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, जब दूसरे समुदाय की बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उसको मीडिया किस प्रकार से ट्रीट करता है, कितना तवज्जो देता है, और कोई आदिवासी मुस्लिम या दलित समाज की महिला के साथ अत्याचार होता है तो उसको किस प्रकार से ट्रीट करता है, वो सबकी आंखों के सामने। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर लड्डू खिलाए, मीडिया ने कभी सवाल नहीं उठा। 19 साल की बेटी थी, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसकी आंखों के सामने 12 लोगों की हत्या की, उसके 3 साल की बच्ची को दीवार पर पटक कर मार दिया, फिर भी उसके बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर लड्डू खिलाए। मेनस्ट्रीम मीडिया ने, गोदी मीडिया ने तो कभी सवाल नहीं उठा। तो ये है ही, हम सभी की आंखों के सामने है। तभी तो आप लोगों के लिए लोगों को रिस्पेक्ट है। तभी तो YouTube के साथी उनको लाखों की तादाद में धीरे धीरे लोग देखना पसंद कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं आडंबर खिलाफ है लेकिन यहाँ पर थाली बजाई जा रही है, क्या समझा जाए? मोदी जी कहने पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो रितु जी का आह्वान है, हम सब उसके समर्थन तो में है। मोदी जी का ये कहना है कि यदि थाली बजाने से, सुनिए, थाली बजाने से कोरोना मर सकता है तो जातिवाद क्यों नहीं मर सकता है? ये हम उनको सवाल पूछ रहे हैं। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, मतलब यही है कि मान लिया जाए थाली बजाने से सब कुछ कल्याण हो जाएगा, रोजगार नहीं मिला थाली बजाइए। ये तो आपका विवेक थाली बजाने से कुछ नहीं होता, ये कहने की जरूरत है क्या? ये तो लड़ रहे हैं 108 दिन से बैठी हुई ना, बढ़ावा दे रहे हैं कौन? थाली के ऊपर मोदी जी का पेटेंट है क्या? थाली के ऊपर भारत की, देश दुनिया की सभी थाली के मोदी जी के नाम पे है। सर पेटेंट नहीं है लेकिन उन्हीं चीजों को आप कॉपी कर रहे हैं जिनकी आप आलोचना करते हैं, तो इसलिए सवाल बनता है। तो वो थाली बजा कर यदि जनता को मूर्ख बना रहे तो ये हमारे तमाम साथी थाली बजाकर जनता को जगा रहे, वो थाली बजाकर मनुस्मृति का प्रोपेगंडा आगे बढ़ा रहे। ये तमाम साथी थाली बजाकर जय भीम और इंकलाब जिंदा की बात के नारे के साथ संविधान की बात कर रहे हैं, फूले अंबेडकर और पेरियर की बात कर रहे हैं। सर चंद्रशेखर नहीं आए हैं इस आंदोलन में, वो राजस्थान चले जाते हैं, मध्य प्रदेश चले जाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे चंद्रशेखर? देखिए सभी साथी आए हैं कुछ जगह पे सुनिए मैं जवाब देता हूँ। कुछ जगह पे कुछ आंदोलन में हम शरीक नहीं हो पाते तो वहाँ वामन मिश्रम जाते हैं, कभी वामन मिश्रम और जिग्नेश नहीं जा पाते तो चंद्रशेखर जाता है, कभी चंद्रशेखर वामन मिश्रम और जिग्नेश नहीं जा पाते तो रतनलाल जी चले जाते हैं। कुल मिलाकर ये सभी लड़ने वाले लोग हैं, सभी लड़ने वाले लोगों का इस धरने में, इस आंदोलन में स्वागत है। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जिसके दामन साफ है दरअसल वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनका दामन साफ नहीं वो भी आ जाए, यहाँ भी उनके थोड़े पास धुल जाएंगे, वॉशिंग मशीन है धुल जाएंगे। मेरा एक सवाल है आपसे कि जो जाट बेटियां धरने पर बैठी थी जंतर मंतर, वहां चंद्रशेखर आकर उनके साथ रुके थे, खाए पिए भी था उनके साथ, लेकिन आज आने वाले दिनों में सभी लोग आएंगे, सभी का यहां पर स्वागत रहेगा। उन्हें बुलाया भी है, बचाव कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, सब लोग आएंगे। बचाव करने की कहां बात है भाई, सभी का स्वागत है, सभी आएंगे। कोई सोमवार को आया, कोई शुक्रवार को आएगा,
कोई अगले सोमवार को आएगा त्रिलोकपुरी, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए आधे घंटे के रास्ते पे, तो आएंगे ना। वही तो कह रहे हैं, जो जो साथी नहीं आए इन सभी का संपर्क करेंगे, सभी को यहाँ पर बुलाएंगे, गारंटी ले रहे हैं, चिट्ठी लिखेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल, सबको सबको पत्र लिखेंगे, भारत के सभी एमपी एमएलए को लिखेंगे, ये मंच लिखेगा, क्यों नहीं लिखेंगे, सबको बुलाएंगे, आपको भी पत्र लिखेंगे, आपको व्हाट्सएप पे पत्र लिखेंगे। देश में इतना दलितों पे, आदिवासियों पे जो भी है अत्याचार या जो भी हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव में मतदान सबसे बड़ा अधिकार होता है जनता का, लेकिन इसमें हमेशा जो बीजेपी है बाजी मार जाती है। बस्तर जैसे एरिया में बीजेपी जीत कर आती है, तो हम इसको कैसे देखते हैं आप? उसके लिए बहुत अलग किस्म की इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी चाहिए, ये जन आंदोलन का मंच है, चुनावी मंच नहीं। नहीं, नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो ये फिलहाल तो हम जन आंदोलन के मंच पर बैठे हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, और जो कल तक नहीं हुआ वो परसों नहीं होगा ऐसा नहीं है, 24 में बढ़िया मुकाबला करेंगे, उनकी घर वापसी करवाएंगे। सर, गुजरात का विकास मॉडल कहा जाता है, कितना विकास हुआ है गुजरात में? देखिए, गुजरात में 100 में से 45 बच्चे कुपोषित हैं, 100 में से 50-55 के करीब बहने एनेमिक है, दलित आदिवासी महिला मुस्लिम सभी के ऊपर बहुत उत्पीड़न और अत्याचार होता है। मैं उत्तर गुजरात में, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, पीने के पानी की बड़ी किल्लत है, तो बहुत गुजरात में सवाल है। ये तो क्या है, धर्म की राजनीति करके समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करके रोटी कपड़ा मकान के सवाल से लोगों को भटका कर रखा है। 370 पे पेट थपथपा रही है बीजेपी अपनी। अरे थपथपाए वो तो यही करेंगे ना, हमारा काम है असली मुद्दों की बात करें, वो फर्जी मुद्दों की बात करेंगे।